निवर्तमान सांसद ओम बिड़ला ने अलवर थानागाजी घटना को सरकार की विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि आखिर इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए कि किसके इशारे पर इस पूरी घटना को छिपाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के भाजपा प्रभारी ओम बिड़ला ने कहा कि राजधानी की 7 सीटों पर एक बार फिर से भाजपा फतह करेगी और साथ ही देश में 300 से भी ज्यादा सीट के साथ एक बार पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर उभरेंगे। थानागाजी की घटना दरिद्रतापूर्ण घटना है और जिस तरीके की घटना घटी है, मैं कहूँगा कि राज्य सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और जिस तरीके से सरकार ने लापरवाही के आधार पर इस सारी घटना को चुनाव के पूर्व उजागर नहीं होना, उस पर एक्शन नहीं होना, कार्रवाई नहीं होना, ये अपने आप में सरकार की विशेषता प्रामाणिकता पर सवाल पैदा कर। जब सरकार इस तरीके से अमानवीय घटनाओं को बचाने की कोशिश करे, अमानवीय घटनाओं को रोकने की कोशिश करे, इस तरीके की सरकार खुद कटघरे में खड़े हो, उस राजस्थान के अंदर कैसे महिला सुरक्षित है?